हे hey दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से कंट्रोल करेंगे। लाइक दोस्तों, जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमारा लैपटॉप घर पे रह जाता है, तो हमको जरूरत होती है कोई भी चीज एक्सेस करने की हमारे लैपटॉप में। लाइक हमको मम्मी को बोलना पड़ता है या पापा को या किसी भी रिलेटिव को बोलना पड़ता है कि मेरे हमारा लैपटॉप खोल लो या कहीं उसमें से कोई भी फाइल मुझे सेंड करनी है तो मुझे सेंड कर दो, या कुछ भी एक्सेस होता है तो हमारे लैपटॉप में तो नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, हम कैसे इंडिया के किसी भी कोने में से एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप को। कुछ और भी काम होता है तो करना पड़ता है, तो नहीं कर पाते हम दूर से। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं अपने स्मार्टफोन से अपने लैपटॉप को, कैसे एक्सेस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जाना होगा हमें अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर जाके इस वेबसाइट पर जाना है एंड यहाँ पे जाकर सेटअप रिमोट एक्सेस पे जाके इसे डाउनलोड करना है। एंड यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ जाएगी एंड इस एक्सटेंशन को आपको एड टू क्रोम करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन एड कर लेनी है एंड इसके बाद यहाँ पे इसको दोबारा डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पे आके आपको इंस्टॉल करने के बाद इसे यहीं पे ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे ऑन करने के बाद इसे अपने कंप्यूटर के लिए एक नेम चूज करना है। एंड यहाँ पे एक पिन जनरेट करना है जिससे आप अपने फोन में एंटर करके इसको कनेक्ट करोगे। लाइक इस पिन को डाल के ही आप अपने लैपटॉप को एक्सेस कर पाओगे। एंड यहाँ पे एक पिन जनरेट कर लेनी है। एंड इसके बाद आपको अपना लैपटॉप का नाम दिखाई देने लगेगा। एंड इसके बाद आपका लैपटॉप इसके नीचे देखो ऑनलाइन लिखा आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप अपने लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें अपने स्मार्टफोन में जाना है एंड वही वेबसाइट खोल ली है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसे इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट अपने इसी ऐप को खोलना है। एंड यहाँ पे जाके रिमोट एक्सेस में जाना है। एंड यहाँ पे आपके लैपटॉप का नाम दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वो पिन डालनी है। एंड यहाँ पे डायरेक्टली आपका लैपटॉप आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। एंड ये कहीं से भी काम करता है। लाइक इसके लिए कोई भी मिनिमम दूरी नहीं चाहिए, आप इसे कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी भी दूरी सही आपके लिए। एंड आप कुछ भी चला सकते हैं इसमें, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं दूर से ही। एंड इसके लिए आपको बस सेम गूगल अकाउंट चाहिए होगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक थी हमारे स्मार्टफोन से लैपटॉप को एक्सेस करने की। एंड ये कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं किया था इसमें, गूगल का एप्लीकेशन था ऑफिशियल। एंड दोस्तों, इसमें आपको सेम जीमेल आईडी यूज करनी है अपने लैपटॉप में एंड अपने मोबाइल में। एंड इस तरीके से आप अपने लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। एंड दोस्तों, ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।